इससे तो कनेक्ट होगा तो हट जाएगा, कनेक्ट होगा हट जाएगा, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं नहीं आता है। कर ही नहीं पाएंगे आज। वो सर आते हैं, वो तो लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। लैपटॉप से करते हैं नहीं, इससे भी हो जाता है। इस पर इससे नहीं होता, लैपटॉप से मोबाइल में देखेगा सब कुछ, मोबाइल से लैपटॉप से। अच्छा, वो जो बाकी सब लोग चलाते हैं वो कैसे करते हैं? लैपटॉप से। लैपटॉप रहता है इधर? हाँ, वो लेके आते हैं। शुक्ला के पास रहता है। शुक्ला जी चलाते हैं, एक चलाते हैं, दो लोग तो चलाते हैं, और बाकी लोग? बाकी लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं मोबाइल। अच्छा, से मोबाइल से उसको नहीं, नहीं उसको फिर बंद कर दिया। खाली जो है ये तो दिखेगा नहीं? हाँ, ये दिखेगा ना उनको, बच्चों को? बच्चों को हाँ दिखेगा। कैसे दिखेगा? इससे दिखा मोबाइल से। अच्छा ठीक है। अच्छा, मोबाइल रिकॉर्डिंग होते रही। अच्छा, मोबाइल से चलते रही क्लास। ठीक है, तो उसको ऑफ कर दो। जो बच्चे आज नहीं आए हैं यहाँ पे के लिए कर दो, इसको ऑफ कर दो। दिख रहा है? है? दिख रहा है? बटन है एक, बस वो ऑफ कर दो। हाँ, कर दो। ये हो गया, ऑफ हो गया अपने। क्या नहीं बोल रहा है? अब हुआ ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका पॉलिटी का टेस्ट ओवर हुआ और अब हम करंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक जो पार्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आज कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नैनो साइंस क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इसमें नैनो मटेरियल्स क्या है, और फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नैनो मटेरियल्स में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जिससे कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स बन जाते हैं और उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, यूजफुल एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि सबसे पहले तो कि नैनो क्या है, नैनो क्या है। तो नैनो जो है बेसिकली, अगर हम साइंस के उसमें बात करें तो नैनो एक फैक्टर जो है वो 10^10 पावर। सारे पेन 10^-9 का जो फैक्टर है इसको हम नैनो के रूप में जानते हैं। तो अब अगर हम जो है कोई भी क्वांटिटी जो है उसके आगे जो वर्ड ये नैनो अगर हम लगा देंगे, तो फॉर एग्जांपल कि हम जैसे कोई लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो लेंथ को नॉर्मली मीटर्स में मेज़र करते हैं या सेंटीमीटर्स में मेज़र करते हैं, तो अगर हम मीटर की बात कर रहे हैं और उसके साथ में हम नैनो वर्ड यूज़ करते हैं, तो अगर नैनोमीटर कह दूं मैं, नैनोमीटर राइट, तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10^-9 मीटर। ये होता है 1 नैनोमीटर राइट। तो नैनो वर्ड बेसिकली 10^-9 के लिए यूज़ होता है। अब मैं इसी को, ये तो मैंने लेंथ को मेज़र करने की जो यूनिट थी मीटर, उसके बारे में बात की। आप इसी को एक दूसरे उससे समझ सकते हैं कि अगर हम जो है मास मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो किलोग्राम में मेज़र करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किलोग्राम की जगह यहाँ पर 1, अगर मैं नैनोग्राम कर दूँ, ग्राम में भी मेज़र करते हैं, छोटी यूनिट होती है, ठीक है, नैनोग्राम कर दूँ अगर मैं, तो वो हो जाएगा 10^-9 ग्राम। 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू बेसिकली 10^-9 ग्राम। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। आप इसी तरीके से किसी और चीज़ में भी आप लगा सकते हो, तो उसके साथ भी ये फैक्टर जुड़ जाएगा 10^-9।
तो हमारा जो यहाँ बताने का जो पर्पज़ है वो बेसिकली ये है कि ये जो नैनो है ये आपको जो है छोटी यूनिट की तरफ लेके जा रहा है, राइट। और इसको अगर हम वैसे वर्ड्स में देखें तो 1 बिलियंथ ऑफ समथिंग हो जाएगा, 1 बिलियन जो होता है, ठीक है, तो 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ समथिंग हो जाएगा नैनो। तो अगर हम मीटर की बात करें 1 नैनोमीटर, तो 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर इज कॉल्ड 1 नैनोमीटर, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम वो ग्राम की बात करेंगे नैनोग्राम की, तो वो हो जाएगा 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ 1 ग्राम, ठीक है, 1 नैनोग्राम हो जाएगा, राइट। तो नैनो वर्ड हम जो है इस तरीके से हम उसके ग्राम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, हम मीटर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, और भी इस टाइप से एसोसिएट कर सकते हैं। तो नैनो हमें छोटे की तरफ लेके जाएगा, बहुत छोटे की तरफ, राइट। अब हम ये चीज़ हो गई, इसके बाद हम स्पेसिफिकली हम जो है वो लेंथ पे हम फोकस कर रहे हैं, दूरी पे फोकस कर रहे हैं, या डायमेंशन पे, ठीक है। तो हम सिर्फ मीटर की बात करेंगे, राइट। और 1 नैनोमीटर की तरफ जो है हम बात करेंगे, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकली 1 नैनोमीटर कितना होगा, कैसा होगा, राइट, कितना बड़ा, कौन से ऑब्जेक्ट्स को, जो हमारी डेली लाइफ के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं या कैसे, तो उनके टर्म्स में हम कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसको हम नहीं देख सकते हैं उनके टर्म्स में भी बताने की कोशिश करेंगे कि 1 नैनोमीटर या नैनोमीटर एक्चुअली कितना होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक जो है आप समझते हो, साइंस की अगर विद्यार्थी हो तो, या आर्ट्स में भी होंगे तो आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, एटम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, हर चीज़, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, वो एटम्स से मिलकर बना हुआ, और एटम की डायमेंशन आपको पता है 10^-10 मीटर होती है, 10^-10 मीटर, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10^-9 × 10^-1 ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, राइट। और 10^-1 को यहाँ से हटा करके हम जो है वो नीचे लिखें तो 10 हो जाएगा, राइट, ऐसे करके ये हो जाएगा, ये तो ये ऐसे आ जाएगा, राइट। तो 1 नैनोमीटर जो है वो अगर आप देखें, ये है 1 नैनोमीटर, ठीक, उसको 10 से डिवाइड कर दें तब ये बन रहा है एटम का साइज। तो इसका मतलब क्या है कि 1 नैनोमीटर में जो है वो कई सारे एटम्स आ जाएंगे, 10 एटम्स आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये रेडियस है, ये है रेडियस बेसिकली, ये वाली एक एटम की, तो डायमीटर उसका डबल हो जाता है, डायमीटर डबल हो जाता है। तो लगभग 5 एटम जो है वो साइड बाई साइड अगर हम रख दें तो 1 नैनोमीटर बन जाएगा। तो अब चूंकि एटम को भी हम ऐसे नहीं देख रहे हैं, तो अभी भी जो है ये चीज़ हो सकती है कि आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया हो कि 1 नैनोमीटर क्या है, राइट। तो थोड़ा सा और एक चीज़ है स्ट्रक्चर, आपने DNA का नाम सुना होगा, DNA, राइट। तो DNA का जो साइज होता है वो रफली जो है वो 3 नैनोमीटर होता है, DNA का डायमीटर 3 नैनोमीटर, लेकिन उसको भी हम नॉर्मली ऐसे नहीं देख रहे हैं जिससे कि हमें एकदम से ये पता चल जाए कि हाँ 1 नैनोमीटर क्या है, राइट। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम किसी दूसरी चीज़ से देखने की कोशिश करते हैं कि 1 नैनोमीटर क्या होगा। तो एक मटेरियल जो है वो कार्बन नैनो ट्यूब्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, इस क्लास में तो संभवतः बात नहीं हो पाएगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में थोड़ा सा। तो वो जो चीज़ है उसका, कार्बन नैनो ट्यूब्स का भी डायमीटर जो है वो DNA के ही साइज़ का, रफली 3 से 4, 5 ऐसे नैनोमीटर्स के ऑर्डर का उनका डायमीटर होता है। लेकिन अभी भी आपको जो है एक RBC आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारा ब्लड होता है उसमें RBCs होती है, इनका जो RBCs का जो साइज़ है वो रफली जो है वो 6500 नैनोमीटर होता है, थोड़ा सा ये बड़ा ही हो गया साइज, ठीक है। इसके बाद जो ज़्यादा आपको इससे आइडिया लग जाएगा
वो ह्यूमन हेयर इसका साइज क्या है, इसकी मोटाई क्या है, राइट। तो ह्यूमन हेयर की जो मोटाई है वो लगभग 1,00,000 नैनोमीटर है। तो आप अब आप जो है थोड़ा सा आइडिया आपको ये लग सकता है कि हम जिस 1 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं वो कितनी छोटी इकाई, कितनी छोटी चीज़ है 1 नैनोमीटर। कि जो ह्यूमन का जो हेयर है उसकी थिकनेस रफली 1,00,000 नैनोमीटर है, उसमें 150 अगर जुड़ भी जाएगा घट जाएगा तो कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। तो रफली एक आइडिया है ऑर्डर के लिए है कि 1,00,000 नैनोमीटर रफली जो है वो उसका डायमीटर होता है ह्यूमन हेयर का। तो थोड़ा सा पिक्चर आपके दिमाग में अब ये बनी होगी कि हम जो नैनोमीटर की बात कर रहे हैं वो कितनी छोटी चीज़ है, ठीक है। तो आप जो है मैंने कई सारी चीज़ें दी थी, ह्यूमन हेयर के लिए आप 100,000 नैनोमीटर, ठीक है, ये ह्यूमन हेयर थिकनेस। तो इससे आपको ये आइडिया लग सकता है कि ये कितना है, ठीक है। एक जो है वो कार्बन नैनोट्यूब्स, ये कार्बन नैनोट्यूब्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में इसको CNTs भी कह सकते हैं। इसका जो डायमीटर है वो 3 से लेकर रफली जो है वो 100 नैनोमीटर तक होता है, 3 से लेकर 100 नैनोमीटर तक। तो ये थोड़ा सा आप कहीं ध्यान रख लीजिए, वैसे तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है कुछ कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में ही कुछ, अगर 3-4 पॉइंट बना करके क्वेश्चन बनाएगा तो हो सकता है वो पूछ ले। तो ये एक ऑर्डर है इसके लिए कि ये नैनोमीटर क्या है। तो अब नैनो स्केल की बात करेंगे फिर हम, नैनो स्केल हम ये बार बार यूज करेंगे कि नैनो स्केल में या नैनो रिजीम में प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की बिल्कुल अलग हो जाती हैं, जैसे कि वो उनके बल्क फॉर्म में हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स, ठीक है। तो मैं ये बार बार यूज करूँगा जब वर्ड नैनो रिजीम या नैनो स्केल, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए कि वो नैनो स्केल या नैनो रिजीम क्या है। इसी को नैनो रिजीम भी जो है मैं कह सकता हूँ, नैनो रिजीम, ठीक है। ये तो नॉर्मली क्या है, ये हम जो हमारे मटेरियल का वन डायमेंशन, कोई भी एक डायमेंशन, कम से कम एक डायमेंशन वो इस रेंज में रहे, या इस रेंज में हम मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, 1 to 100 नैनोमीटर कम से कम एक डायमेंशन स्ट्रक्चर की या मटेरियल की, तो हम जो है उस मटेरियल को जो है नैनो मटेरियल कह देते हैं, ठीक है। और ये रिजीम, नैनो रिजीम कहलाता है, 1 to 100 नैनोमीटर रफली जो है वो इस साइज़ पे हम बात कर रहे हो, जब 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में कम से कम एक डायमेंशन हो, अगर स्ट्रक्चर है तो वो नैनो स्ट्रक्चर कहलाएगा, मटेरियल की बात कह रहे हैं तो वो नैनो मटेरियल आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। तो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच वो नैनो स्केल, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने जो टॉपिक आपको दिया है यहाँ पर, ये नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसके बारे में बात कर सकते हैं कि नैनो साइंस क्या है और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, राइट। तो नैनो साइंस, इसमें वर्ड देखो अपने आप से आ रहा है, नैनो साइंस, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट नैनो साइंस, तो नैनो वर्ड आ रहा है और एक आ रहा है इसमें साइंस, ठीक है। तो बेसिकली तो ये साइंस है, और साइंस का मतलब कुछ जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जो है वो इसके अंदर अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स को हम 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के मानते हुए रखते हुए उन मटेरियल्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उन पे एप्लीकेबल हो रहे हैं साइंस के प्रिंसिपल्स, ठीक है, उन सब की स्टडी जो है वो इस नाम से करते हैं, नैनो साइंस। तो स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स
इन द नैनो रेजिम, ठीक है, इज नोन एज नैनो साइंस। तो यहाँ पे साइंस के हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स की बात होगी इसमें, जो उन पर एप्लीकेबल हो रहे होंगे 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज के लिए, राइट। तो मटेरियल्स का जो है मैनिपुलेशन, उनके प्रॉपर्टीज़ का स्टडी, उनका करेक्टराइजेशन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो नैनो साइंस के अंतर्गत आनी चाहिए। तो ये आप एक लाइन लिख लीजिए इसके बारे में, नैनो साइंस के बारे में, नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल्स ऑन द स्केल ऑफ नैनोमीटर्स। इसमें लिख लीजिए एट लीस्ट वन डायमेंशन ऑफ द मटेरियल और स्ट्रक्चर should lie in the range 1 to 100 नैनोमीटर्स, 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में कम से कम एक डायमेंशन होनी चाहिए। अब ये समझते हो आप डायमेंशन, ये आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये 3-dimensional ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, राइट। तो कोई ये स्ट्रक्चर है, एक मान लो, सपोज कर लो, अगर ये नैनो स्ट्रक्चर होता तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटी डायमेंशन है इसकी, सबसे छोटी वाली, वो जो है कम से कम 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ रही हो, यानी कि 100 नैनोमीटर से बड़ी ना हो, जो सबसे छोटी, ठीक है, जो बड़ी है वो तो बाहर है ही, सबसे छोटी वाले पे ही हम एप्लीकेबल रखेंगे। तो कोई भी एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से अगर नीचे है तो वो उसको जो है हम इस तरीके से इस नैनो स्केल में, नैनो रेंज में रखेंगे। तो नैनो साइंस इस टाइप के स्ट्रक्चर्स और मटेरियल्स के स्टडी करेगी, उनके प्रिंसिपल्स, ठीक है। आप इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो नैनो साइंस के लिए ही, एक और जो है आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो, वो भी लिख लो, नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एट एटॉमिक कॉमा मॉलिक्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूलर लेवल्स। ठीक है, तो ये आपका नैनो साइंस के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन ही हो गई। अब इसी में नैनो मटेरियल्स आप एक हेडिंग के रूप में लिख सकते हो, नैनो मटेरियल्स क्या है, क्योंकि वो भी चीज़ जो है, तो मैं डेफिनेशन वैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ नैनो मटेरियल्स क्या है, ठीक है, फिर भी आप इसको एक लाइन में लिख लीजिए क्योंकि ये याद फिर आपको नहीं रहेगा। तो नैनो मटेरियल्स के लिए लिख दीजिए दोज मटेरियल्स विच हैव
those materials which have structured components with size less than 100 nanometer. 100 nanometer in at least one dimension. In at least one dimension are known as nanomaterials. तो देखो मटेरियल्स जिनके के जो कंपोनेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो साइज जो है वो एटलीस्ट एक जो है डायमेंशन उसके 100 नैनोमीटर से नीचे पहुंच जाए. तो अगर दो डायमेंशंस 100 नैनोमीटर से नीचे हैं तो भी हो जाएगा, तीन अगर नीचे हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक डायमेंशन जो है वो 100 नैनोमीटर से छोटी होना आवश्यक है. अगर वो एक भी डायमेंशन जो है 100 नैनोमीटर से उसकी कम नहीं है तब उस मटेरियल को हम जो है वो नैनो मटेरियल में नहीं ट्रीट करेंगे, राइट. ये बेसिक डेफिनेशन हो गई इसकी. अब आप ये देखेंगे कि एक ही मटेरियल, नैनो मटेरियल कोई अलग से नहीं है, जो मटेरियल है उसी की फॉर्म है एक समय, ठीक है. तो वो जो है क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं, नहीं, हमें ये भी देखना है कि जब हम मटेरियल को नैनो स्केल पे लेके जा रहे हैं, मतलब उसको, तब उसकी प्रॉपर्टीज़ में ऐसे क्या चेंजेज आ रहे हैं जो बहुत यूज़फुल है, ठीक है. तभी अगर यूज़फुल नहीं है तो फिर बेकार है वो ट्रांसफॉर्मेशन. तो यूज़फुल चेंज अगर कुछ आ रहे हैं तो कैसे चेंजेस हो सकते हैं, देखो. तो उसके कुछ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि एक बल्ब जब कोई भी डायमेंशन 100 नैनोमीटर से नीचे नहीं है तब वो मटेरियल कहलाता है बल्क मटेरियल, ठीक है. कोई भी मटेरियल 100 नैनोमीटर से बड़ी हैं उसकी सारी डायमेंशंस तब वो मटेरियल है बल्क फॉर्म में. और अगर उसी मटेरियल को हमने जो है किसी भी प्रोसेस के द्वारा उसको 100 नैनोमीटर से नीचे पहुंचा दी उसकी कम से कम एक डायमेंशन, तो वो नैनो मटेरियल में कंसिडर किया जाएगा, राइट. आप नैनो रिजीम में पहुंचने पे या नैनो स्केल मटेरियल्स भी बोल देते हैं उनको, उसमें पहुंचने पर प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं, वो मैं आपको देखो बता रहा हूं किस तरीके से. कि सॉलिड्स कैन बिकम लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर. अगर बल्क में है वो सॉलिड फॉर्म में है, बल्क मटेरियल है वही चीज़ सॉलिड फॉर्म में है, वही चीज़ अगर उसका जो है हम नैनो मटेरियल बना लें तो वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में. इसका एक बिल्कुल जो कॉमन एग्जांपल है वो है गोल्ड. तो आप अगर ये चेंज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज होगा बल्क से नैनो में ट्रांसफॉर्मेशन में. चेंज इन प्रॉपर्टीज इन दी बल्क टू नैनो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इसमें जैसे अब पहला आप चेंज नोट कर सकते हैं, सॉलिड्स कैन बिकम लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर. इसको ब्रैकेट में आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. तो अब ये चीज़ जो है गोल्ड अगर बल्क फॉर्म में है तो सॉलिड है, आप सभी जानते हो सोना गोल्ड, ठीक है, सॉलिड ही देखा है हम लोगों ने. लेकिन अगर इसके नैनो पार्टिकल्स नैनो फॉर्म में अगर इसको देखें तो ये जो है लिक्विड फॉर्म में. आप नेट पे सर्च करना गोल्ड नैनो पार्टिकल्स वगैरह के लिए, उसके लिए तो देखना ये जो है उसमें वो सीसीओ में दिखा सकते हैं उसको, तो वो लिक्विड फॉर्म में. तो कोई भी नैनो मटेरियल बल्क फॉर्म में सॉलिड हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में नैनो फॉर्म में उसकी वो लिक्विड फेज में हो सकता है, ठीक है. ऐसे ही दूसरा
चेंज अगर देखें आप जो है, इनर्ट मटेरियल्स कैन बिकम कैटलिस्ट। इनर्ट मटेरियल्स जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट मटेरियल्स कैन बिकम कैटलिस्ट। इसका आप एग्जांपल लिख लें, प्लेटिनम। कैटलिस्ट वो होते हैं जो ज़्यादा रिएक्ट कराते हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आपको पता है ये महंगी धातुएं हैं, है ना, प्रीसियस मेटल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनकी प्योरिटी ज़्यादा होती है, और प्योरिटी किसकी ज़्यादा होगी? जो दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट कम करेगा ना, तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो इनर्ट, तो सिल्वर थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है इसलिए थोड़ा कम महंगा है, गोल्ड तो बहुत कम रिएक्ट करता है इसलिए ज़्यादा महंगा है ना, प्लेटिनम और भी ज़्यादा। तो प्लेटिनम जो कि इनर्ट है बल्क फॉर्म में, ये जो है कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है अपनी नैनो फॉर्म। ये एक चेंज हो सकता है अगर हम बल्क से तो कर रहे हैं। ऐसे ही आप जो है एक एग्जाम्पल और लिख लें, ओपैक सब्सटेंसेस, OPAQUE, ओपैक। Opaque substances can become transparent. इसका एग्जाम्पल लिख लें आप, कॉपर। तो बल्क फॉर्म में मटेरियल ओपैक है। ओपैक का मतलब है जो अपने से होकर के लाइट को पास ना होने दे, ठीक है। जो मटेरियल्स अपने से में होकर के लाइट को पास नहीं होने देते वो ओपैक होते हैं, और ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनमें होकर के लाइट आर पार निकल जाए। तो कॉपर बल्क फॉर्म में जो है वो ओपैक होता है, लाइट उसमें से पास नहीं होती, लेकिन उसकी नैनो फॉर्म जो है वो देखी गई है कि वो ट्रांसपेरेंट है, लाइट को आसानी से पास होने देता है, ठीक है। तो ये देखो कुछ मतलब ऐसे ड्रास्टिक चेंज हैं जो कि बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल, नैनो उसमें जाने पर होते हैं चेंजेस, ठीक है। इसीलिए नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी बड़ी एक जो है मतलब ऐसे प्रॉमिसिंग फील्ड जो है वो देखी गई है कि इससे बहुत सारे चेंजेस जो है वो लाइफ में आ सकते हैं, बहुत सारे अच्छे चेंजेस। कौन कौन से आ सकते हैं ये आगे की बात है, अभी आगे देखते जाएंगे कि कैसे जो है ये हमारे लाइफ को अफेक्ट करेगी, क्योंकि लाइफ को अफेक्ट कर रही है डिफरेंट फील्ड्स में, हमारी लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स को अफेक्ट कर रही है, इसीलिए ये आपके करिकुलम का पार्ट बना है सिविल सर्विसेज में। तो वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की जाती हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रभावित कर रही है ना, किसी ना किसी रूप में। तो ये फील्ड भी बहुत प्रॉमिसिंग है, डेवलपिंग है, खूब डेवलप हो रही है। तो इसके जो चेंजेस हैं वो इसीलिए आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है कि आप लोग जानें इसको कि आफ्टर ऑल नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से जो है हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है या करेगी आगे फ्यूचर में, इसकी संभावना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फर्स्ट वाला एग्जांपल गोल्ड था, गोल्ड। सॉलिड्स कैन बिकम लिक्विड्स एट रूम पर, मतलब बल्क फॉर्म में सॉलिड है और उसी के नैनो फॉर्म लिक्विड है ना। दूसरा और भी है गोल्ड के बारे में, और भी है आगे आप देखें। गोल्ड जो है आप किस कलर का है? गोल्ड येलो है, येलो फॉर्म में देखा है आपने। गोल्ड के जब नैनो पार्टिकल्स बन जाएंगे तो वो जो नैनो पार्टिकल्स यानी कि नैनो साइज के पार्टिकल्स, ठीक है, दो नैनोमीटर, चार नैनोमीटर इस टाइप के, जिनके डायमीटर हो ऐसे पार्टिकल्स, तो वो जो नैनो पार्टिकल्स हैं एक तो वो लिक्विड फॉर्म में है, और दूसरा वो उनका जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही उनका कलर भी होगा। तो अब आप कहिए कि जो मतलब नॉर्मल व्यक्ति कहेगा कि गोल्ड तो येलो होता है जिसने देखा है, पीला होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो बल्ब की जगह उसको नैनो वाले चीज़ दिखाई जाए और अलग अलग साइज की दिखाई जाए तो वो अलग अलग कलर के होते हैं पार्टिकल्स। आप इसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल्स डाल के देखिएगा, नेट पर सर्च करिएगा, ठीक है, फिर आप देखिएगा इसको कि डिफरेंट कलर्स आपको दिखते हैं या नहीं। तो वो साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ भी इनके होती हैं, मतलब मैं 1 से 100 नैनोमीटर बोल रहा हूँ, नैनो रिजीम है, लेकिन उसमें जो है अलग अलग साइज के चीज़ें होने पर भी उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाती हैं, राइट।
ये भी इसमें अंतर आ जाता है जो कि बल्क में नहीं आता। तो अभी तक हमने जो देखा है वो क्या देखा, एक तो कि नैनो स्केल क्या है, नैनोमीटर क्या है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, बहुत छोटी इकाई है, ठीक। उसके बाद फिर हमने बताया कि एक जो नैनोमीटर है वो रफली 5 एटम्स को हम जो है बराबर बराबर में रख दें तो उनके डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उससे भी नहीं अगर ठीक से समझ में आया हो तो बिल्कुल थ्रोट जो है वो जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन हेयर रफली, इसकी थिकनेस जो है वो 1,00,000 नैनोमीटर के आसपास होती है रफली, ठीक है। वो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि नैनोमीटर कितना छोटा है। फिर इसके बाद में हमने ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नैनो मटेरियल है कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन का ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक या अपर रूप जिसे बोलते हैं वो है ये, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, आगे आपके लाइफ को कई तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी प्रभावित कर रहा है। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब्स के डायमीटर भी जो है वो एक मैंने आइडिया दिया जस्ट कि ये 300 से 100 नैनोमीटर के आसपास के होते हैं, ठीक है। जितने कम नैनोमीटर डायमीटर होता है, जितना कम होता है उतने ही वो अच्छे प्रॉपर्टीज उसकी होती है। बहुत सारी इस बिल्कुल अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इस मटेरियल में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब बल्क से बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको यूज करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी और दूसरे फील्ड्स में भी। फिर हमने ये जानने की कोशिश करी कि नैनो स्केल क्या है, किसको हम नैनो रिजीम या नैनो स्केल बोल रहे हैं, तो वो मैंने बताया कि 1 से 100 नैनोमीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि नैनो साइंस क्या है, ये बेसिकली साइंस ऑफ मटेरियल्स या स्ट्रक्चर्स जो कि 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहे हों, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को स्टडी करना, उनको गवर्न करने के प्रिंसिपल्स को जो है वो सबको इंक्लूड किया जाएगा इसमें नैनो साइंस, राइट। अभी तक हमने नैनो टेक्नोलॉजी की बात बिल्कुल नहीं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या, तो नैनो वर्ड को अगर हम हटा दें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आपके है ही इसमें, है ना, तो उसी के साथ जो है नैनो बस ऑफ हो जाएगा इसमें। साइंस में क्या है, बेसिकली थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स वगैरह सब वो स्टडी करना, और टेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन पार्ट, जो चीज़ साइंटिस्ट ने बताई कि ये ऐसे होनी चाहिए, राइट। और वो जो क्या इंजीनियर्स या टेक्नोक्रेट्स क्या होते हैं वो उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके डिवाइसेस मशीन्स वगैरह बनाना, और वो फिर जो है अल्टीमेटली जो है वो लाइफ को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी नैनो साइंस तो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट जो होगा वो स्टडी और प्रिंसिपल्स ये सारी चीज़ें रहेंगी, टेक्नोलॉजी जो होगी बेसिकली वो जो है उसका एप्लीकेशन पार्ट होगा, राइट। तो नैनो साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज करके जो टेक्नोलॉजी हो रही है ना, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, वो नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो ये एक बेसिकली अब इसकी भी पहले डेफिनेशन अगर जो है लिख लो तो उसके बाद तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या रहेगा ये। तो आप लिख लो, नैनो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ नैनो साइंस, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ नैनो साइंस, फुल स्टॉप। दूसरी चीज अब आप लिखिए इसमें, इट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग एंड मेकिंग फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स
मेकिंग फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स एट द नैनो स्केल, एट द नैनो स्केल। फुल स्टॉप। अब हम इसके नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, अमेरिका का एक जो है इनिशिएटिव है जिसको कि नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव बोलते हैं, NNI ऑफ US, ठीक है, अमेरिका का। उसने एक डेफिनेशन दी है, वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के रूप में ट्रीट की जाती है, मानी जाती है। तो वो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, तो आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ठीक है, NNI ऑफ US, नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ US, कॉमा, नैनो टेक्नोलॉजी इज द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर, नैनो टेक्नोलॉजी इज द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर विद एटलीस्ट वन डायमेंशन, विद एटलीस्ट वन डायमेंशन लाइंग इन द रेंज 1 to 100 नैनोमीटर्स, थोड़ा सा और अगर इसको क्लियर करें हम कि मतलब एक्चुअल में क्या है इसमें, तो थोड़ा सा तो अभी इसमें आ गया होगा कि एक तो मटेरियल का हमें जो है मैनिपुलेशन और करना है, ठीक है, वो किस लेवल पे जाके करना है, नैनो स्केल लेवल पे जा करके, और मैनिपुलेशन करना है, उसका करैक्टराइजेशन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़, करैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करना, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसको यूज़ कहाँ करेंगे, उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, है ना। किसी मटेरियल के बारे में हमें पता है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेंट में यूज़ हो रहा है, सनस्क्रीन लोशंस में यूज़ हो रहा है नैनो मटेरियल्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, तो वो कैसे हम यूज़ कर पा रहे हैं ये, जब हमें ये पता है कि उन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हमारे लिए यूज़फुल है, किन चीज़ों से हमें बचाएगा या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करेगा वो मटेरियल, राइट, तभी तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे, तो वो चीज़ जो करैक्टराइजेशन कहलाती है। तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में एक तो अभी मैं लिखा दूंगा वो लाइन भी कि ये एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज़ द एंसेम्बल ऑफ टेक्नोलॉजीज, एंसेम्बल का मतलब है ग्रुप ऑफ, कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं इसमें, तो इसीलिए आप इसको नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड की जगह ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है नैनो टेक्नोलॉजीज, मतलब कलेक्शन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, कई सारी टेक्नोलॉजीज जो है इन्वॉल्व होकर के, मतलब मिल करके नैनो टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होती है। तो आप एक लाइन और लिख लें इसमें, इट इज नैनो टेक्नोलॉजी इज द डिज़ाइन, नैनो टेक्नोलॉजी इज द डिज़ाइन कॉमा करेक्टराइजेशन कॉमा प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स डिवाइसेस
devices and systems on nano scales, on nano scale. ठीक है, तो देखो इसमें कई सारी चीज़ें आ गई, स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस, सिस्टम्स, इन सब का डिजाइन करना. डिजाइन का मतलब होता है आइडिया कंसीव करना, किस तरीके से कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, है ना, किन किन चीज़ों से मिलके होगा, उसका करेक्टराइजेशन मतलब उसकी प्रॉपर्टीज का पता लगाना, प्रोडक्शन फिर कैसे वो प्रोड्यूस किया जाएगा, और साथ में फिर वो उसके एप्लीकेशंस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मिल करके उसको बना रही हैं, तो ये सब उसमें इन्वॉल्व होंगी, इंक्लूड होंगी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर. अब ये हम जो है इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों चीज़ों पे एप्लीकेबल है. ठीक है, तो उससे संबंधित एक लाइन लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ. नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विद बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑन दी नैनो स्केल. तो इसमें दोनों ही प्रकार के स्ट्रक्चर्स, दोनों पर एप्लीकेबल होगी, नेचुरल स्ट्रक्चर्स और आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दोनों का प्रॉपर्टीज, डिजाइन, मैनिपुलेशन वो इसमें जो है शामिल होगा, यानी कि जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचुरल, या फिर जो मैन मेड है, जो बनाए जा रहे हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल की कैटेगरी में रखते हैं. राइट, दोनों ही चीज़ें इसमें आ जाएंगी. और एक अब मजे की बात देख लो कि कितनी पावरफुल है टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी. उससे जो मैं स्टेटमेंट आपको अभी लिखाऊंगा उससे आइडिया लग जाएगा इसकी पावर के बारे में कि कितनी पावरफुल है. आप लिख लो इसमें, दिस इज़ ए टेक्नोलॉजी which is capable of manipulating even single atoms and molecules. इस स्टेटमेंट से आपको इस टेक्नोलॉजी की कितनी पावरफुल है ये टेक्नोलॉजी उसके बारे में एक आइडिया लग जाएगा. सिंगल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है. देखो कोई भी छोटी से छोटी चीज़, मैं ये लिख रहा हूँ इससे पेन से, तो पेन में जो इंक पड़ी हुई है, इन इंक का छोटा सा कोई पार्टिकल जो है वो एक बार में यूज हो रहा होगा, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, दस पार्टिकल. ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं छोटे से छोटे, वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए हैं. तो आप समझ सकते हो एटम और मॉलिक्यूल कितनी छोटी चीज़ है. ठीक, अब इस टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके हेल्प से आप एक सिंगल एटम या एक सिंगल मॉलिक्यूल को भी एक प्लेस से उठा करके दूसरी प्लेस पर रख सकते हैं, कहीं से हटा सकते हैं, कहीं पर ऐड कर सकते हैं, इस टाइप का भी. तो आप सोचिए कितने छोटे लेवल पे जा करके वर्क करती है ये टेक्नोलॉजी, तो कितना पावरफुल है टेक्नोलॉजी. ठीक है, सिंगल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन में सब चीज़ आ जाती है. ठीक है, वो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है नैनो टेक्नोलॉजी. आप और एक लाइन इसको पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, पॉइंट्स पर, नैनो टेक्नोलॉजी इज द इंजीनियरिंग ऑफ टाइनी मशीन्स. मतलब बहुत छोटी छोटी जो मशीन्स जिनके बारे में हम सोच सकते हैं उनके, वो बेसिकली जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के पार्ट, मतलब ये उसकी इंजीनियरिंग को बताती है.
अब इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में दो मेन जो है अप्रोचेस हैं, दो मेन मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से नैनो मटेरियल्स वगैरह बनाए जाते हैं या कोई भी प्रोसेस जो है हो रही है पूरा। तो दो मेन मेथड्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी मेथड्स कह सकते हैं हम, या उनको दो अप्रोचेस कह सकते हैं। कोई भी चीज़ बनाई जाएगी तो वो उन मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो एक जो मेथड है जो पहले से हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा था वो है टॉप डाउन मेथड। टॉप डाउन अप्रोच कह दो चाहे टॉप डाउन मेथड कह दो, ठीक है, ये भी इसका एक मेन पार्ट है नैनो टेक्नोलॉजी का, एक अप्रोच है ये टॉप डाउन अप्रोच। और जो दूसरी है इम्पॉर्टेंट अप्रोच वो कहलाती है इसमें बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। तो हैं ये इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस, ठीक है। तो आप टॉप डाउन और बॉटम अप के बारे में जो है जरा सा ये देख सकते हैं कि टॉप डाउन क्या है बॉटम अप क्या है। तो मैं आपको बताऊं पहले से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री चल रही है उसमें पहले से ही जो टॉप डाउन अप्रोच है वो यूज होती रही है, ठीक है। टॉप डाउन बॉटम अप को रोज हम लोग यूज कर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये चीज़ें थोड़ी सी हमें बतानी है इसमें कि टॉप डाउन क्या है बॉटम अप क्या है और कैसे वो यूज हो रहा है। तो दो मेन अप्रोचेस, टॉप डाउन, इसके नाम से थोड़ा सा आइडिया अगर आप ले पा रहे हो, टॉप से डाउन की ओर, तो टॉप से डाउन की ओर से यहाँ पे मतलब है हमारा ऊपर से नीचे की ओर के लिए नहीं है मतलब, यहाँ पे मतलब है बिगर साइज से स्मॉलर साइज की ओर, बिगर साइज से स्मॉलर साइज की ओर, ठीक है। तो इस अप्रोच में क्या होता है कि कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है इनिशियली, उसको डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा उसको हम जो है वो नैनो स्केल में लेके जाएंगे, समझ गए बात को। इनिशियली देयर इज अ बिग स्ट्रक्चर, ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई की जाएंगी और उनके द्वारा उसको जो है वो छोटा किया जाएगा, उसके किसी एक डायमेंशन को, ठीक है, हम 100 नैनोमीटर के नीचे लेकर के जाएंगे किसी भी प्रोसेस के द्वारा, डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा, एक सिंगल प्रोसेस में नहीं होगा, सेवरल प्रोसेस, राइट। तो ये वाला जो मेथड है वो जिसमें कि आप बिगर साइज से स्मॉलर साइज की ओर को लेके जा रहे हैं, बड़े स्ट्रक्चर में से हम जो है किसी प्रकार से छोटे स्ट्रक्चर डेवलप कर ले, राइट, छोटे साइज की ओर को जा रहे हैं। तो दिस अप्रोच ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इज टर्म्ड एज टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। स्मॉलर स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ बिगर स्ट्रक्चर्स, लिख लो आप ये लाइन को इन दिस टॉप डाउन, ये बना लिया आपने इस तरीके से, ये बनाने के बाद में आप लिख लो इन दिस अप्रोच, इन दिस अप्रोच इनिशियली वी हैव ए बिगर स्ट्रक्चर and through different processes it is reduced to
से रिड्यूस टू नैनो स्ट्रक्चर्स, रिड्यूस टू नैनो स्ट्रक्चर्स, नैनो स्ट्रक्चर विच हैज, नैनो स्ट्रक्चर विच हैज एट लीस्ट वन डायमेंशन, विच हैज एट लीस्ट वन डायमेंशन ऑन द नैनो स्केल। ठीक है, फुल स्टॉप। तो हमारी जो पहले से जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थी या इलेक्ट्रॉनिक्स जो चल रही थी उसमें बहुत सारी प्रोसेस, एक इसमें इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है लिथोग्राफी वगैरह, और फिर दूसरा और प्रोसेस होती हैं उनको यूज़ करके किसी तरीके से वो बड़े स्ट्रक्चर से छोटा रिड्यूस कर करके जो है वो स्मॉलर स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं, और वो क्रिएट होते होते नैनो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, नैनो रेजिम में पहुंच गया, एक डायमेंशन कम से कम जो है वो 100 नैनोमीटर के नीचे पहुंच गई तो वो एक नैनो स्ट्रक्चर भी कहलाए। तो आपको इसी में नैनो स्ट्रक्चर क्या है वो भी आइडिया लग गया। ठीक है, एटलीस्ट वन डायमेंशन जिसकी 100 नैनोमीटर से कम हो वो नैनो स्ट्रक्चर। तो ये वाली अप्रोच हो गई टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच में बड़े बड़े इंस्टॉलेशन चाहिए होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए होती है। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक, टॉप डाउन अप्रोच में नैनो टेक्नोलॉजी के बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़ी बड़े इंस्टॉलेशंस चाहिए होते हैं, बड़े मतलब बड़ा स्पेस चाहिए, बड़ी फैक्ट्री सी कुछ मतलब इंस्टीट्यूट हो पूरा बड़ा सा, रिसर्च इंस्टीट्यूट या आपका इंडस्ट्री बड़ा साइज का। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स वहाँ पर इंस्टॉल्ड हों। ठीक, तो ये सारा कैसे होगा, कैपिटल ज़्यादा लगेगी, है ना, लार्ज कैपिटल, कैपिटल इंटेंसिव हो गई ये प्रोसेस, कैपिटल इंटेंसिव जिसमें यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। राइट, तो इसका मतलब ये प्रोसेस या ये मेथड कैसा हो गया, कॉस्टली मेथड हो गया नैनो मटेरियल बनाने। ठीक है, कॉस्टली मेथड्स हो गए, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो जाएंगे, वो आप इसमें इस तरीके से लिख लो, टॉप डाउन मेथड्स ऑफ मेकिंग नैनो स्ट्रक्चर्स टॉप डाउन मेथड्स ऑफ मेकिंग नैनो स्ट्रक्चर्स नैनो स्ट्रक्चर्स रिक्वायर लार्ज इंस्टॉलेशंस एंड आर क्वाइट एक्सपेंसिव ठीक है, तो ज्यादा मनी की, ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इन मेथड्स। अब दूसरे मेथड्स को हम देखें, और ये लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में पहले से यूज हो रहा है, ये आप जो है इसमें दीज मेथड ये लिख सकते हो आप, दीज मेथड्स आर बीइंग यूज्ड ऑलरेडी, दीज मेथड्स आर बीइंग यूज्ड ऑलरेडी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। दूसरी अप्रोच के बारे में देखते हैं, ये बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप मेथड्स क्या है। इसके नाम में आप देखो ये क्या कह रहा है, बॉटम अप, बॉटम अप, अगर इसमें पूरा वर्ड पे जाएं तो जो है नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर को अब आप समझ सकते हो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में कि क्या मतलब होगा इसका, साइज के टर्म्स में अगर हम बात करें तो छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो स्मालर से बिगर की ओर, राइट, ये है। लेकिन और सही तरीके से अगर इसको समझा जाए इसमें, तो इसमें क्या है बेसिकली, इस बॉटम अप अप्रोच में डायरेक्टली जो है वो स्मालर स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के मैनिपुलेशन से, सीधे के सीधे
मतलब बड़े को रिड्यूस करके ना करके उसके बजाय हम डायरेक्टली जो है वो छोटे स्ट्रक्चर्स जो है वो इसमें क्रिएट किए जाते हैं। तो ये आप इसमें लिख लो, इन द बॉटम अप अप्रोच, इन द बॉटम अप अप्रोच ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कॉमा द स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर मेड डायरेक्टली बाई असेंबलिंग ऑफ, असेंबल करना मतलब इकट्ठा करना, बाई असेंबलिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सीधे के सीधे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके असेंबल करके छोटे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से वो जो है स्ट्रक्चर्स बनने होंगे, लेकिन डायरेक्टली बन जाएंगे। आप यहाँ पे बिगर स्ट्रक्चर को रिड्यूस करके स्मॉलर स्ट्रक्चर्स क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है, डायरेक्टली जो है वो। तो छोटी चीज शुरू करी आपने, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लिए, देखो बॉटम अप कैसे है, बॉटम अप छोटे से बड़े की ओर कैसे है। आपने एटम्स या मॉलिक्यूल्स लिए, सबसे छोटी चीज़ तो वही है, इससे ज़्यादा छोटा तो आप जा नहीं सकते। तो उन छोटी चीज़ से आपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जो कि नैनो स्ट्रक्चर, नैनो रिजीम में होते, ठीक है। तो डायरेक्टली इस अप्रोच में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को असेंबल करके नैनो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, राइट। एक लाइन लिख लो आप और इसमें, दिस बॉटम अप अप्रोच ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स, दिस बॉटम अप अप्रोच ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स इज सपोज्ड टू वर्क विद इन ऑल लिविंग सिस्टम्स, जो भी लिविंग सिस्टम्स हैं, हम लोग हैं, बैक्टीरिया, जो जितने भी चीज़ें लिविंग होती हैं, ठीक है, जितने भी क्रिएचर्स हैं ऐसे लिविंग वाले, उन सब में ये प्रोसेसेस लाइफ जब से स्टार्ट हुई है तब से ये माना, ठीक है, जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से ही ये माना जाता है कि ये उन सभी लिविंग सिस्टम्स के अंदर बॉटम अप अप्रोचेस लगातार जो है यूज़ हो रही हैं, चल रही हैं, उसी के द्वारा डिफरेंट प्रोसेस का सिंथेसिस वगैरह हो रहा है। जो भी हमारे अंदर सिंथेसिस प्रोसेस होती हैं या दूसरे क्रिएचर्स में सिंथेसिस प्रोसेस होती हैं, वो सारी जो है वो बॉटम अप अप्रोचेस के एग्जांपल, बॉटम अप प्रोसेस के थ्रू हो रही है, ठीक है। जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी चीज़ें बनती हैं सब इन्हीं के द्वारा। तो लिविंग सिस्टम्स में बेसिकली जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो कौन सी वाली यूज़ हो रही है, वो बेसिकली जो है ये वाली जो है पार्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए जो है एक इसका एडवांटेज इस मेथड का या इस अप्रोच का ये है कि जो हम वहाँ उधर ड्रॉबैक था इधर कि लार्ज इंस्टॉलेशन चाहिए, बड़ी बड़ी मशीन चाहिए, ठीक है, यूज़ कैपिटल चाहिए, वो चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर नहीं है। तो जो वहाँ ड्रॉबैक था इसमें वो इधर एडवांटेज के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो द एडवांटेज ऑफ बॉटम अप अप्रोच, द एडवांटेज ऑफ बॉटम अप अप्रोच इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर large installations
एंड ह्यूज कैपिटल, लार्ज इंस्टॉलेशन एंड ह्यूज कैपिटल, फुल स्टॉप. हैंस इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड. Hence, it is a cost-effective method. तो ये दो different approaches हो गई जिनके द्वारा नैनो मटेरियल्स या नैनो स्ट्रक्चर्स, जो भी नैनो टेक्नोलॉजी है वो उसके अंतर्गत जो है ये दो चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, दो मेथड्स या दो अप्रोचेज यूज़ किए जा रहे होंगे. ठीक है, आइदर टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि बिगर साइज टू स्मॉलर साइज या फिर स्मॉलर साइज टू बिगर साइज. ठीक, ये देख लिया हमने दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए. ये पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, ये हमारे अंदर या अन्य लिविंग क्रिएचर्स जो हैं उन सभी में ये डिफरेंट रूप में ये सारी प्रोसेस यूज़ हो रही हैं, चल रही हैं. ये हो गया. अब ये कुछ अच्छी चीज़ें हमने देखी थी अभी कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं बल्क से नैनो में जाने पर, राइट. कुछ ऐसे सीरियस कंसर्न्स भी हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से, मतलब जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका हो सकता है हमारे लाइफ पर. ठीक है, तो वो दो एक पॉइंट की अगर हम बारे में बात करें, सीरियस कंसर्न्स क्या हैं, वो बेसिकली तो कई फील्ड्स में हो सकते हैं. सोशल कंसर्न्स भी हैं उसके, इकोनॉमिक भी हैं, एनवायरमेंटल भी हैं, मिलिट्री इम्प्लीकेशंस भी हैं. लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, कंसर्न का मतलब चिंता या जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ जो हो सकती है, वो बेसिकली हमारे एनवायरमेंट को लेकर के है चिंताएँ, कि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से एनवायरमेंट को जो है वो नुकसान हो सकता है. ठीक है, तो वो नुकसान के बारे में अगर हम बात करें तो वो चीज़ आप लिख लो इसमें, द सीरियस कंसर्न अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी दैट It might release toxic wastes into the environment and degrade it badly. ठीक है, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अभी हम कई सारे फील्ड्स में देखेंगे आगे, वो आज नहीं हो पाएगा इसमें, इसलिए मैं उसको डिस्कस आज नहीं करूँगा उस चीज़ को. अभी थोड़ी सी कुछ और चीज़ें डिस्कस कर दूँगा, फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे. तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, वो एनवायरमेंट को लेकर के टॉक्सिक चीज़ें जो हमारा नैनो मटेरियल्स वगैरह की जो प्रोसेस है बनाने की, ठीक है, उस प्रोसेस में बहुत सारे टॉक्सिक मतलब जहरीले, ठीक है, ऐसे वेस्ट प्रोड्यूस होंगे जो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं रहेंगे, वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे, पॉल्यूट करेंगे, ठीक है, उसकी क्वालिटी को जो है वो डाउनग्रेड करेंगे, जो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर लाइफ को मतलब प्रभावित करेगी, अफेक्ट करेगी, ठीक है, बैडली अफेक्ट करेगी, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे उसके. तो वो चिंताएँ हैं उनको भी, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करें हम अच्छे के लिए यूज़ करें, लेकिन साथ में ये जो चिंताएं हैं इनका भी रिमूवल होना चाहिए, कि मतलब ये चीज़ें जो हैं टॉक्सिक वेस्ट वगैरह इनको रिलीज़ करने का जो भी चीज़ें हैं वो कम से कम हो, एनवायरनमेंट हमारा प्रोटेक्टेड रहे, है ना, इसकी वजह से पोल्यूटेड ना हो, डिग्रेड ना हो. बट अब मैं दो चार चीज़ें आपको ऐसी बता रहा हूँ कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एक नया सा वर्ड लगा, नई सी फील्ड लगी, ठीक है, तो भले ही इसको ना जानते हों लेकिन ह्यूमंस जो है
बरसों से शताब्दियों से इसको जो है वो यूज़ कर रहे थे अपनी लाइफ में किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो जब पुरानी चीज़ की बात करते हैं तो बात आ जाती है हिस्ट्री की, है ना, तो हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसमें मैं दो चार एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताऊँगा कि किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी को ना जानते हुए भी, उस टर्म को ना जानते हुए, या टर्म को समझ लो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था नैनो टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट सेंचुरीज में डिफरेंट जगहों पर कई अलग अलग तरीके से वो यूज में थी, ठीक है, कैसे थी। तो वो हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। तो हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में आप देख लो, लिख लो इसमें, लिख लो हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में, नंबर वन में आप लिख लो दी माइक्रो स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर वन में, ठीक है, दी माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ बूट्स स्टील, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ बूट्स स्टील मैन्युफैक्चर्ड इन एंशियंट इंडिया, अराउंड 600 BC, अराउंड 600 BC गिव्स इंडिकेशंस ऑफ यूज ऑफ नैनो मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप नेट पे भी देखोगे, मैं उसका नाम बताऊंगा अभी, दूसरे पॉइंट में लिख लो उसको आप। ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन, मैं कुछ चीजें यहाँ पे छोड़ूंगा, वो आप खुद भी देखना उसको। ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन हैव ए कप नोन एज लाइकर गस कप विच इज मेड फ्रॉम सोडा लाइम ग्लास containing silver and gold nanoparticles. मतलब इसमें nanoparticles उस समय use हो रहे थे, ठीक है, full stop। इसी point में लिखना आगे, The cup changes its color from green to a deep red. When a light source is placed inside it. देखो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स इसमें उस समय यूज़ किए गए थे जब भी बनाया गया था, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है, कई सेंचुरीज पहले। ये ग्रीन कप, ग्रीन है देखो, ठीक है, जब इसके अंदर एक लाइट सोर्स रख दिया गया तो इसका कलर जो है देखो कैसा हो जाता है, ठीक है, डीप रेड हो जा रहा है। तो ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द जो मटेरियल्स उसमें यूज़ किया हुआ है, उसमें सिल्वर और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए गए, उनके प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है, ये डिफरेंट इसका जो है दिखाया हुआ है ये। तो ये भी बाद में देखा गया कि अच्छा ये किस वजह से है,
तो ये भी नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ऑलरेडी जो जान नहीं रहे थे, बगैर जाने हुए ही जो है कहीं ना कहीं वो यूज़ हो रहे थे, ठीक है। ऐसे ही जो है आप थर्ड पॉइंट एक और लिख लो, नैनो टेक्नोलॉजी वाज बीइंग यूज्ड इन, नैनो टेक्नोलॉजी वाज बीइंग यूज्ड इन फोटोग्राफी इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। तो फोटोग्राफी हम सब जानते हैं, ठीक है। पहले फोटो डेवलप करने के लिए जो है वो डेवलप करने का प्रोसेस होता था पूरा, अब तो वो सब चेंज हो गया, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा वो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में भी। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स जो है यूज़ किए जाते रहे हैं इसमें, तो आप मतलब लाइफ के डिफरेंट उसमें और अलग अलग फेजेस में जो है, हाँ अब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे आगे, उनका डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। या उसी तरीके की बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आएंगी, हम उनके बारे में बात करेंगे आगे, अगले क्लास में बात कर देंगे। एक क्लास और होगा इसका नैनो टेक्नोलॉजी का, उसमें पूरा इसका एप्लीकेशन वगैरह पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिंगल क्लास एक 90 मिनट का रखेंगे तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इसका जो है बिल्कुल बेस बना पाए हैं कि नैनो क्या है, नैनो स्केल क्या है, नैनो रिजीम क्या है, ठीक है, नैनो साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, फिर उसकी डिफरेंट अप्रोचेस बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोचेस, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो है हम आज डिस्कस कर पाए कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को जानते नहीं थे लेकिन फिर भी जो है ह्यूमंस किसी न किसी रूप में जो है इसको यूज कर रहा था बहुत पहले से, राइट। तो ये आज हमने जो है बेसिक्स ऑफ नैनो साइंस के बारे में थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस के किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ के वेरियस फील्ड्स में डिफरेंट फील्ड्स में जो है अपना प्रभाव छोड़ रही है, उनको अफेक्ट कर रही है, ठीक है, वो सारी उसकी जो यूटिलिटी है वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। ये तीनों मैं रख लेता हूँ, उनको मैं चेक कर लूँगा, इसलिए आपको बता दिया जाएगा। मेरे पास आंसर की भी है इसकी और